कहने वाले कहते होंगे कि उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त हो गया है, लेकिन कन्नौज के सांसद को सुनिए और कहिए उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज है। ये कन्नौज के सांसद और कन्नौज से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार सुब्रत पाठक हैं। इनकी भाषा सुनकर गली के छठे गुंडे, लफंगे, मवाली, चोर, उचक्के और ग्रहकट अपनी गालियों पर छाती पीट रहे हैं। जमीन खोद के काट दिया जाएगा। कहते हैं जब सामने हार दिखती है तो इंसान बौखला जाता है, लेकिन सुब्रत पाठक पागल हो गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के सामने सुब्रत पाठक के पास हारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। सो सुब्रत पाठक जमीन में जिंदा गाड़ने की बात कह रहे हैं। जमीन खोद के काट दिया जाएगा। सुना है जब दिल से इंसानियत मर जाती है, जब सोच गिर जाती है और इंसान जब बेरहम हो जाता है तो हथियार उठा लेता है और फिर वह जुल्म करता है, सुब्रत पाठक बन जाता है। जमीन खोद के काट दिया जाएगा। बीजेपी के गिरे हुए सुब्रत पाठक ने पहली बार इंसानियत की गर्दन पर छुरी नहीं चलाई है। इससे पहले भी सुब्रत पाठक अपनी सोच के बरछे से इंसानियत का कत्ल करते रहे हैं। जमीन खोद के काट दिया जाएगा। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक को तो सुन लिया आपने, अब जरा इनके पाले हुए गुंडों की करतूतें भी देख लीजिए। सुब्रत पाठक के पालतू गुंडों ने कन्नौज के पाल समाज के एक परिवार को घर में घुस कर मारा। बेटी बचाओ का नारा देने वालों के गुंडे घर में घुस कर बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, महिलाओं के कपड़े नोच रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उस पाल समाज ने सुब्रत पाठक को वोट देने से इनकार कर दिया था। क्या है अलका? अलका जी किस बात को विवाद हो रहा है? ये मतलब चुनाव के वजह से चाचक से हो रहा था, मेरे गेट खुले थे तो मेरे घर पे घुस गए और मेरे मतलब कपड़े वपड़े की खाई थे तो मेरे ऊपर बिंदने लगे और मेरी चूड़ी उड़ी धुस गई और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए दोनों चाचा भतीजे थे। क्या नाम? अर्चित था, अर्चित दुबे नाम था, संदीप दुबे। और उनकी मम्मी आई वो भी मतलब हमें पे बिंदने लगी और मेरे हस्बैंड घर पे थे नहीं। तुम लोग कौन ब्राजी हो? पाल। बोलो। पाल दुबे दुबे हैं। कई लोग थे हमला करने वाले? दो लोग थे। आप लोग कई लोग घायल हो? जी लेडीज निकाली। हम घायल हैं, हम घर पे अपने अकेले थे, मेरे बच्चे थे छोटे छोटे और हम अकेले थे, हस्बैंड थे ना मेरे, गेट खुले थे तो चाचा के साथ बिंदे, फिर इसके बाद में हम पे मतलब बिंदने लगी जाके। आप सब लोग कई लोग घायल हो? हम सब लोग सर चार लोग हैं। चार लोग घायल? और दो लोग चाचा और देवर हैं मेरे। कहाँ रहती हूँ? हैदरपुर कटरा। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद कन्नौज पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है, सिर्फ कहने के लिए, क्योंकि पुलिस खुद जानती है कि सुब्रत पाठक के गुंडों के खिलाफ कितनी कार्रवाई करनी होगी। लेकिन अफसोस, जिसका नेता जमीन में गाड़ देने की बात कह रहा है उसके पले हुए गुंडों से शराफत की उम्मीद बेईमानी होगी। तब अखिलेश मुख्यमंत्री थे या 2024 का चुनाव है, यो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिसने भी लोकतंत्र की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की, जमीन खोद के काट दिया जाएगा। जमीन खोद के काट दिया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अमन पसंद कन्नौज कह रहा है कि उसको वो नेता चाहिए जो इत्र की खुशबू में मोहब्बत की खुशबू घोल सके, जो मोहब्बत करना सिखाए। लेकिन बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने अपने पावर के तमंचे से गरीबों के गाल लाल कर दिए हैं, उनके जिस्म के कपड़े नोच लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द कंटा।